देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी केस। 24 घंटे में देश भर में ओमिक्रॉन के 94 नए मामले सामने आ गए। देश में ओमिक्रॉन केसेस की संख्या बढ़कर 1596 हो गई है। 53 नए केस के साथ राजस्थान में भी ओमिक्रॉन विस्फोट हुआ है। गुजरात में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 नए मामले सामने आ गए हैं, यानी अलग अलग राज्यों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अब उनमें ओमिक्रॉन केसेस की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। और देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है। अभी तक 26 राज्यों में इस नए वेरिएंट के मरीज सामने आ चुके हैं, मिल चुके हैं। आइए देखते हैं कि किस राज्य में इस वक्त ओमिक्रॉन के कितने केसेस हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यही ओमिक्रॉन है, ये जानने की कोशिश करते हैं। देश में ओमिक्रॉन के कितने केसेस सामने आ गए हैं ये जरा समझने के लिए हम एक बार फिर इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ओमिक्रॉन केसेस में कितनी तेजी से इजाफा हुआ है। ये देखिए, ओमिक्रॉन मरीज महाराष्ट्र में 460 इक्का दुक्का मरीज अभी पिछले हफ्ते तक नजर आ रहे थे, लेकिन अब सैकड़ों में ओमिक्रॉन मरीज हमारे सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर भी 122 केसेस हो गए हैं ओमिक्रॉन के, और हर राज्य में आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल का आंकड़ा जो है वो 109 का है। यहां भी 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन पेशेंट जो हैं वो सामने आ चुके हैं और 1596 टोटल मरीज अब तक सामने आए हैं। तमिलनाडु में भी 118 मरीज हो गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, यानी कोरोना के नए वेरिएंट के। गुजरात में 136 केसेस सामने आ गए हैं। तो अलग अलग राज्यों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर यह बता रही है कि अब हर स्टेट में ओमिक्रॉन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। कर्नाटक में भी 34 केसेस सामने आ गए हैं। साउथ में भी अच्छे खासे केसेस अब सामने आ रहे हैं। तेलंगाना में भी 79 केसेस जो हैं ओमिक्रॉन के वो सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में भी 17 ओमिक्रॉन मरीज रजिस्टर किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा 17 का है अभी फिलहाल। और जैसे जैसे ये माना जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे ओमिक्रॉन मरीजों के बारे में पता चलेगा। चंडीगढ़ में भी 3 मरीज ओमिक्रॉन के अब तक सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से अब तक जो सामने आए हैं ओमिक्रॉन मरीज उनकी संख्या है 8 और ये आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा देखिए, छोटा स्टेट है लेकिन फिर भी 93 केसेस हरियाणा से सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन केसेस के। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।